हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज। इसमें हम देखेंगे क्लास 10 के लिए राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर द्वारा जारी वर्कबुक, जो कि आगामी अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही मददगार रहेगी। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर हमारा आज का रहेगा तीसरा चैप्टर। दो चैप्टर हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं, तो तीसरा चैप्टर ये रहा। इसमें लेसन थर्ड का जो पार्ट फर्स्ट है, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग हिज फर्स्ट फ्लाइट को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे एमसीक्यूज, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, और इसके उत्तर भी मिलेंगे आपको। साथ ही साथ फिर हम यहाँ पर कुछ बाकी जो रिक्त स्थान वाले हैं वो भी देखेंगे, और फिर आपको यहाँ पर एक पैसेज भी मिलेगा। तो सारी चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं, क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद जरूर कर लीजिए आप इनको। पहला क्वेश्चन है, रीड द क्वेश्चंस केयरफुली एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। फर्स्ट इज, वेयर वॉज द यंग सीगल। यंग सीगल कहाँ पर था? ऑप्शन ए ऑन द लेज, ऑप्शन बी ऑन द ट्री, ऑप्शन सी इन द स्काई एंड ऑप्शन डी इन द सी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ऑन द लेज। नेक्स्ट नंबर टू, वॉट वॉज यंग सीगल अफ्रेड ऑफ। यंग सीगल किस चीज से डर रहा था? ऑप्शन ए फ्लाइंग, ऑप्शन बी स्विमिंग, ऑप्शन सी रनिंग एंड ऑप्शन डी हंटिंग। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए फ्लाइंग। नेक्स्ट थर्ड है, यंग सीगल वॉज मैडन्ड बाय ऑप्शन ए थर्स्ट, बी हंगर, ऑप्शन सी फियर एंड ऑप्शन डी एंगर। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी हंगर। नेक्स्ट, ट्रांसलेट इनटू हिंदी। ये जो सेंटेंस दिया हुआ है इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीदर्स, देन अंडर हिज स्टमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स। तो जब बच्चा उड़ना शुरू करता है तो उसके बाद में एक हवा का झोंका आया, वो हवा उसके सीने के जो पंख थे उसके सीने में, उन पंखों के पास से जो है उसे अचानक उसे फील हुई वहाँ पर, एंड देन उसके बाद उसके पेट के नीचे से और फिर उसके पंखों के खिलाफ जो है वो हवा एकदम सामने आ गई, तो उसके पंख खुल गए और वो आगे उड़ गया। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल रिलेटिव प्रोनाउन गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो यहाँ पर ब्रैकेट में जो रिलेटिव प्रोनाउंस दिए हुए हैं इनका यूज करना है आपको रिक्त स्थान में। He ran back to the little hole under the ledge blank. He slept at night. तो यहाँ पर relative pronoun है where and which, तो इसका right answer यहाँ पर रहेगा where, जहाँ पर he slept at night, जहाँ पर वो रात पर सोया था, तो इसका right option रहेगा यहाँ पर where. Next, sixth number है, his brothers and his little sister blank wings were far shorter than his own ran to the brink. तो यहाँ पर है वेयर एंड हुज, तो इसका राइट आंसर रहेगा हुज, जिसके पंख, ओके, हुज, WHOSE, हुज यहाँ पर राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट में दी हुई वर्ब को यहाँ पर आपको भरना है, तो आप लोग भर दीजिए, काफ़ी लंबा हो जाएगा, मैं यहाँ पर इसको छोड़ देता हूँ। ठीक है, द सन नाउ असेंड द स्काई ब्लेजिंग ऑन द ऑन लेस दैट फेस द साउथ एंड साउथ एंड ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 है, ही हैड मेड इज फर्स्ट फ्लाइट। उसके बाद यहाँ पर पैराग्राफ दिया हुआ है, आप पूरा पैराग्राफ पढ़ लीजिए और इसी में से नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको आंसर देना है, पढ़ लीजिए। यहाँ पर रीड द फॉलोइंग लाइन्स केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, ओके। तो ये पैसेज है और इसको पढ़ करके ये रहे क्वेश्चन के आंसर्स, ये आपको अपनी इसी में आपको देना है। नेक्स्ट हम लेंगे इसका जो सेकंड पार्ट रहेगा उसको अगले वीडियो में लेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।